और अब खबरें विस्तार के साथ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 26वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और प्रतिभावान छात्रों को गोल्ड मेडल से नवाजा। समारोह को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों में 70% लड़कियां हैं। इसके अलावा उनसे सम्मान प्राप्त करने वाले 10 छात्रों में भी 7 लड़कियां हैं। यहां अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने दिव्यांग छात्रों को दी जा रही सुविधाओं पर भी खुशी जताई और नेकराम शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलने पर बधाई भी दी। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के लिए दीक्षांत समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और यह समारोह माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति से और भी खास हो गया है। यह उस संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के जीवन का वह पड़ाव है जब वह शिक्षा पूर्ण करके व्यवहारिक रूप देने के लिए जीवन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। भारत के उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ देश विदेश से हजारों विद्यार्थी अध्ययन एवं अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने विश्वविद्यालय को एक बार पुनः ए ग्रेड प्रत्यायन प्रदान किया है, जिसके लिए मैं विश्वविद्यालय के परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए आज आत्ममंथन का दिन है। वे अपनी अभी तक की चुनौतियों और उपलब्धियों पर दृष्टि डालें और विचार करें कि यहां तक कि उनकी यात्रा कैसी रही। यह अपनी दुर्बलताओं श्रेष्ठताओं को पुनः पहचानने का समय है। यह आपकी लंबी यात्रा का एक पड़ाव मात्र है और अभी आपको बहुत दूर तक जाना है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और मेडल विजेताओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अपने समाज, राष्ट्र और राज्य के प्रति आप सबकी एक अहम भूमिका है, जिसे आपको पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। मैं आप सभी को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस गरिमामय समारोह में सभी स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देते हुए आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहली बार आगमन हुआ है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता की ओर से राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और लगभग 100 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री दी जा रही है। ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ता है और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही उत्साह और प्रेरणा जिंदगी में सफलता प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भूगोल और पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम शैक्षणिक वातावरण प्रदान करता है। यहाँ के विद्यार्थियों ने एकेडमिक्स और रिसर्च के साथ साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों और राजनीति में भी परचम लहराया। वर्ष 1970 में स्थापित हुई इस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस संस्थान के पूर्व छात्र ने कला, चिकित्सा, न्यायपालिका, खेलकूद, समाज सेवा, राजनीति और प्रशासन सहित अन्य क्षेत्र में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और शिक्षकों के मार्गदर्शन में आप सभी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे तथा हिमाचल प्रदेश और पूरे भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे। देवियों और स्वजनों, हिमालय की ये धरती तो पर त्याग तथा अध्यात्म और धर्म की पावन भूमि है। इस धरती ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले अनगिनत वीरों को जन्म दिया है।
महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस भूमि से आकर्षित होकर यहाँ पर प्रवास करने के लिए आए थे। लंबे समय तक देश का स्मार्ट कैपिटल शिमला का भारतीय जनमानस के हृदय में एक विशेष स्थान है। देश के कई भागों में अचानक ठंड बढ़ने पर लोग अक्सर आम बोलचाल में कहते हैं कि आज शिमला जैसा ये लग रहा है, लेकिन आज जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस क्षेत्र की इकोलॉजी को भी पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का ये कर्तव्य है कि वो स्थानीय समुदाय की जरूरतों और इस क्षेत्र के इकोलॉजिकल चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दे और विकास के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान विकसित करने की का योगदान दे। तो दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुई और ना सिर्फ शामिल, उन्होंने संबोधन भी किया और अपने संबोधन में लड़कियों के अनुपात के हवाले से खुशी प्रसन्नता जाहिर की। और इस वक्त भी दीक्षांत समारोह चल रहा है। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार फिर से राजेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, दीक्षांत समारोह को बड़े ही करीब से कवर कर रहे हैं। राजेंद्र, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा पाएंगे और क्या कुछ खास बातें इस वक्त की? अब जो अतिथि गण थे वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं और छात्र भी जिन्होंने जिनको सम्मानित आज किया गया। और आज के पूरे अगर समारोह की हम बात करें तो करीब 111 स्वर्ण पदक आज छात्रों को आवंटित किए गए, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे 111 के करीब। और इसके अलावा 99 PhD धारक भी आज सम्मानित किए गए, डिग्री आज उनको दी गई। और दिलचस्प बात यह है कि जो 111 स्टूडेंट्स थे उनमें से अधिकांश लड़कियां थी, छात्राएं थी, और PhD होल्डर्स में भी अधिकतर छात्राएं ही थी। और इस बात पर द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित खुशी भी जाहिर की और कहा कि छात्राएं जिस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं ये खुशी व्यक्त करता है, ये विकास की गाथा हिमाचल प्रदेश की व्यक्त करता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एनरोल है अभी उनमें से भी 70% छात्राएं और 30% छात्र हैं, तो ऐसे में लड़कियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने खुशी व्यक्त की, खुशी जाहिर की। इसके अलावा एक और उन्होंने रास्ता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को दिखाया कि किस प्रकार से किसानों की सहायता की जा सकती है, किस प्रकार से स्टार्टअप में जो इन्वॉल्व स्टूडेंट्स हैं या युवा हैं उनकी यूनिवर्सिटी सहायता कर सकती है। क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जहां जिनको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अच्छी सहयोग भी कर सकता है और आने वाले समय में एक अच्छा करियर इन दोनों फील्ड में हो सकता है। तो शोध और तकनीक के ऊपर उन्होंने अधिक फोकस करने की बात कही। इसके अलावा राज्यपाल ने भी अभिभाषण दिया और राज्यपाल ने जिक्र किया खासकर नशे की जो बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार से स्टूडेंट एक्टिव रोल निभा सकते हैं, शिक्षण संस्थानों और उनके आसपास नशा विक्री करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने का आह्वान राज्यपाल ने किया और एक कैंपेन छेड़ने का बात उन्होंने कही। और आज के पूरे दिन की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन माहौल और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आज गोल्ड मेडल मिले और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको PhD की डिग्री देकर सम्मानित किया गया। 10 स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया जिनमें से 7 लड़कियां थी और उसके बाद जो अन्य बचे वो स्टूडेंट्स थे उनको राज्यपाल ने सम्मानित किया। ऑडिटोरियम के अंदर की तस्वीरें कुछ देर पहले हमारे दर्शकों को दिखाई। मैं चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि धीरे धीरे अब मेहमान निकल रहे हैं, वो तस्वीरें भी काफी खास होती हैं। और इसके अलावा एक सवाल और ये करना चाहेंगे कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 111 लोगों को अवार्ड से नवाजा गया है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनसे बातचीत हुई होगी, वो अपना रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं आज के इस कॉन्वोकेशन के बाद? से बात की तो उनका कहना यही था, बड़ी दिलचस्प बात है और जो बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स का वो काफी इंटरेस्टिंग है। गोल्ड मेडलिस्ट जिनको सम्मानित किया गया अब उनमें से संस्कृत की जो टॉपर छात्रा है वो एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है और पूरे प्रदेश में संस्कृत में टॉप स्टूडेंट ने किया है, तो हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर है जो अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। अब 3 से 4 स्टूडेंट उनमें से ऐसे हैं जो काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं और दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं, दोनों ही क्षेत्रों
में अपना बेस्ट दे रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि एक कांस्टेबल कैसी उनकी ड्यूटी होती है, कितनी सटीक उनको काम करना होता है, और दूसरी तरफ पढ़ाई में भी आप इतने अव्वल हैं कि आपको गोल्ड मेडल मिलता है पूरे प्रदेश में, तो ये अपने आप में एक संघर्ष की बात है। बिल्कुल, इस हवाले से सवाल भी उठता है कि आखिर आप बैलेंस कैसे करते हैं। अगर बात करें जो टफ एग्जाम होते हैं, जो कठिन परीक्षाएं होती हैं, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि एक बार अगर कोई सोच लेता है कि उन्हें करना है तो सारी दुनिया और कणकड़ में ये बस जाता है कि हाँ उन्हें कुछ करना है। इसी तरह की मिसालें कहीं ना कहीं यहाँ से भी निकल कर सामने आ रही। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। तो राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों ने अपने अनुभव न्यूज 18 JKLH से साझा किए हैं। छात्रों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ पे अपने मम्मी पापा की वजह से पहुंची हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आज प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडल मिल रहा है। एक्साइटेड है जी, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या प्लानिंग के तहत कैसे स्टडी करती थी, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, खासकर जो यूनिवर्सिटी में एंटर, इस पिया कॉलेज में एंटर स्टूडेंट हो रहे हैं? बस टाइम टेबल से अपना स्टडीज करती थी एंड वैसे ही मैंने अपना टॉप किया हुआ है बीएड में। बेसिकली ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एकेडमिक सेशन मेरा काफी अच्छा रहा है फ्रॉम माय 10th टू 12th एंड जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही मेरा बीटेक में भी काफी अच्छा रहा। एज सच कोई पर्टिकुलर प्लान तो नहीं होता है, बट जब आप लाइफ में कुछ भी चीजें करते हो तो वेव फॉरवर्ड आती रहती है, और एक स्पेसिफिक टाइम टेबल मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, रेगुलर आपको दो तीन घंटे देने होते हैं। जस्ट से टारगेट नहीं था मेरा, बस ये था कि मैं फोकस था कि अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है पढ़ाई में, और बस क्या बनेंगे आगे? सर एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन रिफॉर्मेशन ऑक्सीडेज एंजाइम। बेसिकली मैं एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ सो दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। खास फोकस तो नहीं रहा कि गोल्ड मेडल लेना है, पर पढ़ाई में कंटिन्यूसी अच्छी रखी। कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज में संस्कृत कॉलेज से पढ़ी हूँ, वशिष्ठ विद्यापीठ तुंगेश ठियोग में कॉलेज है, उसके बाद यहाँ MA में एंट्रेंस में। तो आज राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भी संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परवीन मेहता ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव साझा किए। यहां राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि लेखा परीक्षा के इस सर्वोच्च संस्थान की भूमिका केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करना भी है। साथ उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य त्रुटियां खोजने के बजाय प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार होना चाहिए। ये अनुष्ठान बहुत छोटा है, बच्चे 2 साल के बच्चों को आपको एड्रेस करना होगा। मैंने बोली छोटा बड़ा मेरे लिए सम्मान है, क्योंकि ये बच्चे ऑडिटर बनके एडवाइजर बनके जो देश की सेवा करेंगे और अपना कमिटमेंट के साथ अपने ट्रांसपेरेंसी के साथ तो लोगों का सेवा करेंगे। मुझे पता है आज का दौर के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर युग का न्यू इंडिया का न्यू दौर का बच्चे देश को आगे बढ़ाने देश को विकास के ये बच्चे कमिटमेंट का साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि भारत में ज़्यादा अलग भाषा अलग संस्कृति परंपरा, लेकिन अलग संस्कृति अलग त्यौहार के साथ आप यहाँ केवल पढ़ाई में संस्कृति परंपरा के साथ अपने प्रोफेशन को भी अपने एक साथ रह करके जो निभाए हैं वो केवल यहाँ ही आगे आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी डे टू डे लाइफ में भी आप उनको जरूर ये मेमोरी के रूप में, क्योंकि मैं भी हॉस्टल जिंदगी जी हंसते की जिंदगी जिंदगी भर के लिए याद रहता है और जिंदगी और एक अलग दुनिया होता है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।
स्वागत है आपका रेडियो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान। रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढांगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडर राम मीणा ने किया। कैंप के दौरान डॉक्टरों ने गांव के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने टिटवाल में शारदा मंदिर को खोले जाने का किया स्वागत। पीओके में शारदा मंदिर जाने के लिए एक कॉरिडोर की मांग की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर ये कि धर्मशाला में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर की बैठक का है ये और इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा हुई। शाम 5 बजे तक ये बैठक चली। अहम खबर इस वक्त आपको G20 सम्मेलन के हवाले से दे रहे हैं। ये सम्मेलन आपको बता दें कि धर्मशाला में आयोजित हुई और इस सम्मेलन में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और साथ ही साथ शाम 5 बजे तक ये बैठक चली। बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा हुई है। बैठक में 70 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। बड़ी बात यह है कि 70 डेलीगेट्स इस अहम बैठक का हिस्सा रहे और अब खबर ये आ रही है कि थोड़ी देर में सीएम सुक्खू भी यहां पहुंचेंगे। फिर उसके बाद विदेशी मेहमानों के साथ गाला डिनर होगा। तो बड़ी खबर आपको धर्मशाला के हवाले से बता रहे हैं। धर्मशाला के लिए ये राहत की और अच्छी खबर है क्योंकि जब उस वक्त इसका चुनाव किया गया था उसी वक्त वहाँ के लोगों ने, लीडरों ने, नेताओं ने खुशी जाहिर की थी और अब जबकि वो दिन आ गया है। बैठक शाम 5 बजे तक चली। बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा हुई और इसमें 70 प्रतिनिधि 70 डेलीगेट्स पहुंचे। वसुधैव कुटुंबकम के तहत ये तमाम लोग एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए। थोड़ी देर में सीएम सुक्खू के पहुंचने की खबर है। उसके बाद गाला डिनर विदेशी मेहमानों के साथ होगा। धर्मशाला को कल सीएम सुक्खू इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देंगे। कल दोपहर 12 बजे सीएम सुक्खू HRTC की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो ग्रीन धर्मशाला की ये तैयारी है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये बसें चलेंगी। कांगड़ा की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई। सर, HRTC को क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता की लाइफलाइन माना जाता है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सौगात आप इस वक्त जनता को देने जा रहे हैं, इसका सक्सेस रेट यहाँ पर क्या रहा सर इलेक्ट्रिक बसेस का और निकट भविष्य में कैसे देखते हैं? अभी जो हमारी 75 इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही हैं, जिन रूट्स के लिए वो चलाई जा रही हैं उन रूट्स में वो बिल्कुल सफल हैं और जो हमारे जो ऑपरेशंस का खर्चा है वो भी तकरीबन आधा है। ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह भी हम मान लें तो हमारा इन डीजल बसेस का जो खर्चा है वो तकरीबन 57 रुपीज़ के आसपास आता है और इलेक्ट्रिकल बसेस चलाने का खर्चा जो है वो 33 रुपीज़ के आसपास आता है। तो बचत HRTC को होने वाली है और लोगों को जो है वो एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट शहर धर्मशाला को इलेक्ट्रिक बसों के तौर पर बहुत बड़ी सौगात सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार देने जा रही है। मेरे पीछे आप जिस बस को देख पा रहे हैं ये वही इलेक्ट्रिक बस है जो कि अगले कुछ समय के बाद जो है ये
धर्मशाला और कांगड़ा के बाकी के हिस्सों में दौड़ने वाली है और ठीक इसी तरह से और 14 बसें हैं जो कि धर्मशाला के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, अलग अलग रूटों पर जाएंगी। फिलहाल तो ये बसें आमतौर पर वैसी ही हैं जैसे कि JNNRUM की बसेज होती थी या आप कुछ समाज शहरों में या बाकी के शहरों में आप देखते थे। लेकिन इसमें कुछ खूबियां हैं, इसमें कुछ खासियतें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या खासियतें हैं, क्या खूबियां हैं। अभी फिलहाल देखिए यहां पे ट्रायल चल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह खुद आकर जो है इन बसों को जो है हरी झंडी दिखाने वाले हैं और जो धर्मशाला का बस स्टैंड है वहीं से हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई जाएगी। कहा यह जा रहा है कि अगले दिन 12 बजे जो है यह हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई जानी है और उसके तुरंत बाद ये जो बसेज हैं वो पूरे शहर भर के अन्य अन्य अलग अलग रूटों में जो है वो जाने वाली है। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है और ये बसेज एक जगह जो है वो इकट्ठी कर दी गई है। जो प्रदूषण से युक्त हो रहा था हमारा हिमाचल प्रदेश अब वो भी हरित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर होगा अगर इसी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो अगर समूचे हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। तो धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। तो जहां एक ओर धर्मशाला के लोगों को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलने जा रहा है तो दूसरी ओर कल के कार्यक्रम तक बस स्टैंड के शिफ्ट होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। यहाँ खड़े परेशान हो रहे हैं आप लोग? वो पता नहीं कि बस कहाँ से कहाँ मिलेगी, कि वो पूछा ऊपर पूछा तो वो बोले कि नीचे से आपको मिलेगी, तो नीचे यहाँ खड़े। आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि बस कहाँ से जाएगी? अब नहीं पता नहीं, मेट्रो दिन जाना था और अभी हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि बसेस अवेलेबल है नहीं और कोई किसी से पता भी नहीं चल पा रहा और टैक्सीज के रेटेस्ट हाई हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, पता ही कर रहे हैं कि क्या होगा। परेशान है बिल्कुल, ऑब्वियसली बसेस। आगे बढ़ेंगे, कुल्लू में जियो की 5G सेवा शुरू हो गई है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने इसकी लॉन्चिंग की। जियो के ग्राहकों को 5G की सेवाओं की सुविधा मिलेंगी और ये सेवाएं पर्यटन, ई गवर्नेंस, स्वास्थ्य देखभाल, बागवानी, कृषि संचालन, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT और विनिर्माण कृत्रिम आदि क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन लाएंगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर, बीजेपी ने नियुक्त की है प्रभारी। बड़ी खबर आपको देने, श्रीकांत शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से विधायक हैं श्रीकांत शर्मा और इन्हें शिमला नगर निगम का प्रभारी बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने ये आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से नए नए आदेश आ रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने अब प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इन प्रभारियों में श्रीकांत शर्मा का नाम सामने आया है जो कि उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। सीएम सुक्खू 22 अप्रैल के बाद शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करेंगी। कांग्रेस ने चुनाव के लिए 8 सेक्टर बनाए हैं और इन सेक्टरों में प्रचार की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, विधायकों को दी है। कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने ये जानकारी दी है और उन्होंने 2/3 बहुमत से जीत का दावा भी किया है। देखिए, प्रभारी के रूप में तो श्री तेजेंद्र पाल बिट्टू जी जो हमारे EICC से जो यहाँ पर सह प्रभारी हैं उनको जिम्मा जो है इस नगर निगम के चुनाव का जो है पार्टी की तरफ से दिया गया है। और जहाँ तक प्रचार की बात है, प्रचार में तो कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में हैं वो तो प्रचार में रहेंगे क्योंकि इससे पहले हमने सेक्टर 8 सेक्टर जो है पूरे कॉरपोरेशन के बनाए, उन सेक्टरों में जो हमने जो मिनिस्टर्स हैं वो सेक्टर इंचार्ज लगाए हैं, उनके साथ जो विधायक हैं पार्टी के उनकी ड्यूटी भी जो है उनके साथ तय की है। और इसके बाद हम जो ऑफिस बेरर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और सीनियर नेता जो है उनके भी वार्ड वाइज जो है उनकी भी ड्यूटियां लगा रहे हैं और वो भी 21 तारीख से जो है अपने काम में जो है हर वार्ड में जाएंगे। लाहौल घाटी के विभिन्न इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। अब तक तकरीबन 3 से 4 इंच तक बर्फ चंद्रा घाटी, कोकसर, अटल टनल, रोहतांग के आसपास गिर चुकी है, जबकि उदयपुर से आगे तिंदी की ओर कल से ही बारिश हो रही है। घाटी में हो रही बारिश का असर सड़कों पर पड़ा है। तांदी किल्लार सड़क मार्ग के बीच पड़ने वाले धांधल के पास भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग बाधित हुआ है। उधर दारचा से शिंगुला सड़क मार्ग भी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम के लॉन्ग डिपो ने अपनी सभी रूट्स पर चलने वाली बस सेवा स्थगित कर दी है।
मनाली और आसपास मौसम की करवट देखी जा रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो पूरे हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है और जब बर्फबारी होती है तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाती है। मनाली और आसपास में मौसम ने मिजाज बदला है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊपरी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश ने परेशान किया है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रदेश की तमाम खबरें हमारे साथ। नमस्कार।